ये प्राइवेट बोट्स इन्होंने यहाँ रखी हुई हैं, ये नया इलाका बना है और यहाँ पे इन सब ने ये रखी हुई हैं और जब इन्होंने इस्तेमाल करना होता है फिर यहाँ से ये निकाल लेते हैं। जैसे साइकिल की पार्किंग होती है, गाड़ियों की पार्किंग होती है, इसी तरह ये इन्होंने पार्किंग प्लेस इनका बनाया हुआ है। ये सब लोगों की बोट्स हैं और इस पर इन्होंने अपने नेम लिखे हुए हैं या कोई नंबर लिखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ से ये अपनी बोट्स ले लेते हैं। ये हॉबी बोट्स होती हैं, बहुत बड़ी नहीं होती हैं। जब अच्छा मौसम होता है तो ये इसको इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ठंड बहुत है तो यहाँ इन्होंने पार्किंग कह सकते हैं या इन्होंने रखी हुई है यहाँ पे, तो ये इनका प्लेस बना हुआ है, यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। और जब मौसम अच्छा होता है फिर ये इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, इन पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं और इनके नेम्स भी लिखे हुए हैं। ये सारी यहाँ पे इन्होंने रखी हुई है। ये शहर का एक नया इलाका है, इसमें ये नई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये नया छोटा सा ये ब्रिज बनाया हुआ है इन्होंने, लकड़ी का है और साइड में स्टील है, और यहाँ पे ये कैनल है इसके अंदर, और ये सारी नई बिल्डिंग्स बनी हैं। इसमें अभी काम हो रहा है, और जैसे आपको पता है एक शहर के साइड में है ये। चार पाँच साल के अरसे में यहाँ ये सारी नई बिल्डिंग्स बनी हैं। पहले यहाँ पे मैदान हुआ करता था और इन्होंने चार पाँच साल में ये सारी नई बिल्डिंग्स बनाई हैं। इसमें ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, और ये एक सुपरमार्केट है। वहाँ पे सामने पिज़्ज़ा और रेस्टोरेंट्स की चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये सुपरमार्केट है। ये एक शॉपिंग सेंटर यहाँ बना हुआ है, इसका ऑनर स्वीडिश है। ये इसके बाहर के व्यूज़ हैं, ये बना हुआ है यहाँ पे, ये इसका नेम है, ये इसका एक सिनेमा भी है। पांच छह इसकी गैलरीज हैं सिनेमा की। और बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है ये इसका सिनेमा का पोर्शन है, अंदर इसके काफ़ी ब्रांचेज हैं, और उस तरफ जितना भी है वो उसके अंदर शॉप। जबकि दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है, और वो साइट रेलवे ट्रैक की होती थी, रेलवे की पुरानी बिल्डिंग्स ख़त्म कर दी हैं उन्होंने, अब नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। और सामने कुछ होटल्स,
शहर के अंदर का एरिया है, कैनर्स है यहाँ पे, एक स्टेचू भी बना हुआ है और काफ़ी पुराना स्टेचू बना हुआ है ये। और आगे साइड में कैनल है, स्नोफॉल काफ़ी हुई हुई है तो इसमें स्नो आप देख रहे हैं काफ़ी जमी हुई है। और ये जब मौसम अच्छा होगा तो यहाँ बोट्स भी चलेंगे। इस शहर के अंदर से तीन पार्ट्स में होती हैं कैनल, यहाँ पे है एक और उसके बाद दूसरी साइड पे भी है और पिछली साइड पे भी है ये यहाँ, और ये यहाँ पे ब्रिज है और ये स्टेचू जो आपको दिखाया था, और वो सामने दूसरी साइड पे भी कैनल है। ये कैनल का दूसरा पोर्शन है, यहाँ पे ये नीचे इसके जॉगिंग भी लोग करते हैं, वॉक करते हैं, अंडरग्राउंड बना हुआ है। और इसके बाद ये कैनल दूसरी साइड है, और आगे काफ़ी दूर तक है ये कैनल, पहले आपको उस तरफ की दिखाई थी वो दूसरी कैनल है। और यहाँ ये जॉगिंग भी आप करते हुए लोगों को देख रहे हैं, और दूसरी साइड पे भी एक कैनल है। चार पार्ट्स में या पांच पार्ट्स में होती है ये, तो मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं और शहर के अंदर है ये। यहाँ पे एक गाड़ियों की पार्किंग का एक सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि ये यहाँ बना हुआ है कंपार्ट, इसमें गाड़ी आप लेके जाते हैं अंदर, उसके बाद आप मुख्तलिफ बटन्स हैं वो दबाते हैं और फिर गाड़ी आपकी अंडरग्राउंड चली जाती है यहीं से। ये केबिन बना हुआ है, इस केबिन के अंदर से गाड़ी नीचे चली जाती है, वहाँ फिर अंडरग्राउंड जहाँ भी जगह हो वहाँ पे आप पार करते हैं इसे। ये गाड़ी एक आ चुकी है, ये देखें ये एक ऊपर गाड़ी आ चुकी है, एक लेडी वेट कर रही है इसका, और ये इसके अंदर मुख्तलिफ बटन्स हैं, फंक्शंस हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गाड़ी इसने ऊपर यहाँ से आप वो लेके चली जाएगी। ये पेमेंट का इसका सिस्टम है सारा, यहाँ आप कार्ड के ज़रिए पेमेंट करेंगे और टाइम लिखेंगे कितने टाइम के लिए आपने पार्क करना है, और फिर ये ऑटोमेटिक इसके बटन ऑन करेंगे आप और ऑटोमेटिक ये पूरी देखें शिफ्ट है वो गाड़ी लेकर नीचे चली जाएगी अंडरग्राउंड। अगर आप ख़ुद जाना चाहते हैं गाड़ी के साथ खुद भी जा सकते हैं, वरना ये हो कि आप गाड़ी को पुश कर देंगे, उसका कोड वोड कर लेंगे, रिसिप्ट ले लेंगे, गाड़ी आपकी नीचे चली जाएगी और वहाँ पे वो एक साइड में खड़ी हो जाएगी, फिर उसके बाद आप बटन दबाएंगे, फिर वो गाड़ी ऊपर आ जाएगी और आप उसमें यहाँ से चले जाएंगे। छोटे बच्चों की नर्सरी की एक नई बिल्डिंग बनी है, इसमें छोटे बच्चे 5 इयर्स तक
या एट सिक्स ईयर तक, 3 से 6 ईयर यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ये नई नर्सरी बनी है। इसके क्योंकि नर्सरी के पास ही ये एक स्टैचू बना हुआ है, ये दो बच्चियाँ खेल रही हैं। और बच्चों के खेलने की जगह आपको हर एरिया में मिलेगी, जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनमें ये बने हुए हैं। तकरीबन आपको हर जगह जिस साइड में भी जाएं वहाँ पे आपको पार्क्स और बच्चों के खेलने की जगह प्लेग्राउंड्स ये ज़रूर मिलेंगे। और हर इलाके में है ये, उनका यह है कि मुख्तलिफ नौइयत के हैं वो, अब डिपेंड करता है, कुछ बिल्डिंग्स बड़ी होती हैं। अब ये अंदर एक बनाया हुआ है इन्होंने, प्लेग्राउंड भी बनाया हुआ है, यहाँ फुटबॉल भी आप खेल सकते हैं, वॉलीबॉल के नेट्स भी बने हुए हैं और वो भी आप खेल सकते हैं यहाँ पे। ये इस इलाके का है और हर इलाके का मुख्तलिफ प्लेग्राउंड या छोटे पार्क बने होते हैं जिनमें बच्चे भी खेल सकते हैं और बड़े उनके साथ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं,